एक बार फिर से जो बड़ी खबर है आतंकवाद को लेकर, जो खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, यह आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पर गुल्लक के जरिए आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जा रहे थे, फंडिंग हो रही थी। दावत इस्लामी संगठन पर इस तरीके से चंदा जुटाने का आरोप है। जो जांच एजेंसियां हैं, उन्हें जो जानकारी मिली है इस तरह से फंडिंग की, गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है। आतंकी गतिविधियों के लिए इस तरीके से पैसा जमा किया जा रहा था कि किसी को शक ही ना हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसा नहीं जुटाया जा रहा, गुल्लक के जरिए पैसा जुटाया जा रहा। पीलीभीत में ऐसे करीब 250 दुकानें हैं, जहां पर ये देखिए ये तस्वीर, इस तरीके के गुल्लक रखे गए हैं। दावते इस्लामी को इस तरीके से चंदा देने की यहां पर अपील की जाती है। यहां दुकानदारों के लिए इस तरीके के गुल्लक रखने जरूरी बताए जाते हैं, फिर दावत इस्लामी के लिए यहां पर चंदा जुटाया जाता है। आगे चलकर उसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद के लिए किया जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि दुकानों पर रखे गुल्लक के जरिए पैसे जुटाकर आतंकवाद को फैलाने का काम किया जा रहा है। दावत इस्लामी जो है वो पीलीभीत में पिछले कई सालों से सक्रिय है। 250 दुकानों पर इस तरीके के गुल्लक रखे गए हैं, जहां पर ये पैसा जमा किया जाता है चंदे के नाम पर। हर दुकानदार के लिए इस तरीके का गुल्लक रखना जरूरी बताया जाता है। दावत इस्लामी को यहां पर दान देने की अपील भी की जाती है, और दावत इस्लामी का संचालन जो है वो पाकिस्तान से होने का दावा किया जाता है। 22 साल से दावत इस्लामी भारत में सक्रिय है, और पिछले कुछ दिनों में चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे अमरावती की घटना हो, ये घटनाएं सवाल उठा रही हैं कि अचानक इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है, और क्या इसके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई साजिश रच रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है, उन तक पैसा कैसे पहुंच रहा है, ये सब कुछ ऑपरेट कैसे हो रहा है, ये सारी जानकारियां जांच एजेंसियों को मिल रही हैं अब धीरे धीरे। महाराष्ट्र के अमरावती से एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। उमेश कोले की आज श्रद्धांजलि सभा है, और उसे देखते हुए ये फ्लैग मार्च किया गया है। श्रद्धांजलि सभा के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अमरावती की घटना ये देखिए, ये किस तरीके से यहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। किसी भी तरह की आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, हालात ना खराब हो, माहौल ना बिगड़े, पुलिस प्रशासन इसे लेकर बेहद सतर्क है। उमेश कोले की आज श्रद्धांजलि सभा, और कहीं कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मेरे तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको अमरावती लिए चलते हैं, अंकुर मेरे साथ वहां से। अंकुर, हम तस्वीरें देख लें, फ्लैग मार्च किया जा रहा है अमरावती में, सुरक्षा बहुत कड़ी है, वजह यह है आज ही उमेश कोले की श्रद्धांजलि सभा होनी है, कहीं कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, मैं जो सकता आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये राजकमल चौक है, ये यहीं पर मेरे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाऊंगा आपको। यहाँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो दी जा रही है उमेश कोहली को, आज 13वीं है उनकी, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जितने भी संगठन हैं हिंदूवादी खासतौर पर, मैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, और यहाँ पर हालांकि किसी तरह की कोई भाषणबाजी नहीं होगी या किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी। लोग आएंगे श्रद्धांजलि सभा में, आएंगे उनको फूल चलाएंगे और वो करके अपने आप शांति से निकल जाएंगे। पुलिस भी चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मेरे राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, और थोड़ी देर पहले ही जो पूरा सुरक्षा बल आपको दिखाई दे रहा है, ये काफी लंबा था, इसके अभी फिलहाल कई जो आधी टुकड़ियां हैं उनको डाइवर्ट किया गया है शहर के दूसरे हिस्सों में। लोकल पुलिस स्टेशन के अलावा जो रिजर्व पुलिस फोर्स है और QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम है, उसकी यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। फिलहाल इसके अलावा जो ड्रोन है, ड्रोन की भी यहाँ पर हेल्प ली जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत रखा जा सके। जो सामने आप टीम देख रहे हैं ये QRT की टीम है। कोशिश इस बात की है कि हालात जिस तरह से बने हैं, खासतौर पर 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब इस बात का खुलासा हुआ कि नुपुर शर्मा की को लेकर जो सोशल मीडिया की पोस्ट उमेश कोहले ने डाली थी और इसी वजह से नाराज होकर उनकी हत्या की गई है, उसकी बात से ही तनाव जो है वो शहर में दिखा जा रहा था। अमरावती इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, आपको याद होगा पिछले साल 12 नवंबर को यहाँ पर दंगे हो गए थे, बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हुई थी,
वो सिचुएशन दोबारा रिक्रिएट ना हो जाए, तो पुलिस प्रशासन चाहता है कि यहाँ पर मुस्तैदी बनाई जा सके। इसीलिए आज जो फ्लैग मार्च है, जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उनमें निकाला गया है, और कई जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस की जो टुकड़ियाँ हैं उनको तैनात किया गया है। पुलिस को लगता है कि आज श्रद्धांजलि सभा है। घटना को 13 दिन हो चुके हैं, अब अगर हम अमरावती की स्थिति की बात करें तो क्या अब भी उसी तरीके का तनाव है? देखिए, आपको समझना होगा कि 21 जून की जब हत्या हुई थी और उसके बाद जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, वहाँ पे हमेशा जो थ्योरी रही है वो लूटपाट की थ्योरी रही, तो हालात खराब होने का तब सवाल ही नहीं था। तनाव तब आता है स्थिति में जब ये पता चलता है कि नुपुर शर्मा को लेकर जो सोशल मीडिया पोस्ट उमेश कोहली ने सोशल मीडिया पर डाली थी, और उसकी वजह से नाराज लोगों ने पहले उसको वायरल किया, जितने भी रेडिकलाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसके बाद उनकी हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची गई। 3 बार 2 बार मारने की कोशिश की गई, 2 बार असफल रहते हैं, और 3री बार में जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसका दूसरा फैक्ट ये भी निकल के आता है कि सिर्फ उमेश कोहली नहीं है, 7 और ऐसे लोग हैं जिनको बकायदा धमकी देकर, उनसे हाथ जोड़कर माफी मंगवाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डलवाई गई कि उन्होंने जो नुपुर शर्मा को लेकर पोस्ट डाली थी वो उनकी गलती थी। और इसके बाद से पिछले 3-4 जो दिन बीते हैं तब से जो हालात हैं उस पर तनाव आप महसूस कर सकते हैं, और यही बात चिंता की विषय वस्तु है, यही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। आगे माहौल खराब ना हो इसलिए यहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, आज श्रद्धांजलि सभा होनी है। अंकुर तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज का, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आतंकवाद को फैलाने के लिए दुकानों पर गुल्लक रखकर पैसे जमा किए जा सकते हैं। ये हैरान कर देने वाला खुलासा है, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। अमित, जरा समझाइए, ये गुल्लक के जरिए आतंकवाद के लिए फंडिंग, ये कैसे हो रहा था? देखिए, जैसे कि पीलीभीत का एग्जांपल हम लेते हैं, वहाँ पर 250 से ज़्यादा दुकान है, एक दुकान एक छोड़कर आपको वहाँ पर गुल्लक मिलेगी, और उस गुल्लक को क्यों रखा गया इसका कोई मकसद आपको कोई दुकानदार नहीं समझा पाएगा वहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर कह देगा कि शायद इससे गरीबों की मदद होती होगी, लेकिन उसका ना तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही वो पैसा कहाँ जा रहा है इसके बारे में कुछ पता लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैश पैसा है, कैश पैसे की ट्रांजेक्शन तो कोई होगी नहीं, और इसको हवाला के जरिए पैसे को भेजा जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर उसको टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पूरी ट्रांजेक्शन जो है वो कहीं पर भी दिखाई देगी, और आपको बता दूं कि इस तरह ये एक सिर्फ पीलीभीत की हम बात कर रहे हैं, ऐसे पूरे देश में 22 साल से एक्टिव है दावते इस्लाम, और 22 साल से कहां कहां ये सारी चीज़ें होंगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 2005 से तो पीलीभीत में ही ये लोग एक्टिव हैं, और इस पर आज तक कोई जो है शिकंजा भी नहीं कसा गया। एक रिपोर्ट बनाई गई जब इस पूरे बारे में जांच की गई, क्योंकि पाकिस्तान से जोड़ के देखा जा रहा है दावते इस्लाम को, और ये कई सारे स्कूल्स और कई सारे मदरसे भी चलाते हैं, तो यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उस रिपोर्ट में लिखी हुई है कि 500 से ज़्यादा टेरर प्रोफेसर हैं, टेरर प्रोफेसर्स जो हैं वो 1500 से ज़्यादा सोशल मीडिया पर, जो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, इस तरह में अपने ग्रुप्स बनाकर एक स्लीपर सेल को भी क्रिएट कर रहे हैं, और जो बेरोजगार युवक हैं उन युवक और युवतियां और उनसे लेकर इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो लोग, वो सब इस जो है दावते इस्लाम जो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। 5 जो ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही हैं जो कि रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया है, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जो है आसपास के क्षेत्र हो, यूपी के, चाहे बिहार के क्षेत्र हो, ऐसे अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनके जो मूवमेंट है उनको जो है वो काफी ज्यादा संदिग्ध बताया जा रहा है, उनके जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा संदिग्ध बताई जा रही है, और इस चीजों को देखते हुए कई लोगों को राउंड अप किया गया है, और अभी एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ये चीजें हैं कि जो जो कन्हैया लाल के साथ हुआ, जो लोग कातिल थे वो जो है रियाज और गौस भी इस दावते इस्लाम से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, और अभी भी ये सारी। आपने जिस बात का जिक्र किया कि उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ उसके जो आरोपी थे वो भी इसी संगठन से जुड़े हुए थे, वो संगठन जो इसी तरीके से गुल्लक के जरिए पैसा जुटाता था। प्रमोद हमारे साथ उदयपुर से ही है, प्रमोद से जरा समझते हैं कि ये गुल्लक के जरिए जो पैसा जमा किया जा रहा है और उससे जो आतंकवाद के लिए फंडिंग हो रही है उससे उदयपुर की घटना का क्या कनेक्शन? देखिए, ना सिर्फ उदयपुर बल्कि देश में अगर कहीं पे भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है टेरर फंडिंग का। फंडिंग जो पैसा है जिससे हथियार खरीदे जाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, और ऐसे लोगों को पैसे देकर मदद की जाती है और उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है,
तो जो पैसा है अगर वो डायरेक्ट किसी अकाउंट में आता है तो एजेंसियों की नज़र में आ जाता है, लेकिन अगर छोटा छोटा अमाउंट जो है वो गुल्लक में या फिर चिटफंड के जरिए जो है वो जुटाया जाता है तो उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं होती, उसको अनअकाउंटेड मनी होती है, उस पैसे का कहाँ खर्चा किया जा रहा है उसका कोई ब्यौरा नहीं होता। और यही वजह है कि छोटा छोटा अमाउंट जो है वो इकट्ठा करके जो है वो टेरर फंडिंग में जो है करके और टेरर एक्टिविटीज़ में जो इस्तेमाल किया जाता है। बड़े अमाउंट में जो है FCRA के तहत जो है वो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती है, जिस भी अकाउंट से वो पैसा आया था और जिस अकाउंट में आया होता है। तो ये सबसे इजी तरीका होता है किसी भी टेरर ग्रुप के लिए कि छोटे छोटे अमाउंट जो है वो जुटाया जाए और वो फिर अलग अलग जगह हवाला के जरिए भेजा जाए और उसको फिर दोबारा किसी एक ऐसे अकाउंट में जाए जिसको कि वो कहीं ना कहीं तरीके से एजेंसियों के सामने जस्टिफाई कर सके। तो ये पूरी मनी ट्रेल है, इसकी जाँच करने के लिए एजेंसी लगी होती है, क्योंकि फंडिंग जो है सबसे बड़ा जरिया होता है किसी भी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। और आप इससे पहले जो है वो फिजिकली जो है लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में आज की डेट में ऑनलाइन हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर कोई भी जो है चाहे वो टेलीग्राम हो या सोशल मीडिया साइट्स के अलग अलग चैनल तो उसमें बना इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया जाना और दुकानों पर गुल्लक रखकर आतंकवाद के लिए पैसे जमा करना, ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं।